नमस्कार दोस्तों, आपका देसी चैनल के पहले अनबॉक्सिंग में आपका स्वागत है। आज हमारे पास आप देख रहे हैं दो प्रोडक्ट्स हैं, एक मेरे राइट में है और एक मेरे लेफ्ट में है। पर एक तो बहुत अच्छा लग रहा है दो प्रोडक्ट्स के साथ में बैठना। और ये बात बता दूं मैं आप लोगों को कि ये दोनों ही प्रोडक्ट्स हम लोगों ने अमेजोन से मंगाया है। और अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगे तो इसका डिस्क्रिप्शन जो है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। तो ये प्रोडक्ट को हम बाद में अनबॉक्सिंग करेंगे, तो इसको एक बार छोड़ देते हैं। आज जो पहले अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वो है मेरे लेफ्ट में, जो कि आप देख रहे हैं अमेजोन बेसिक्स है और सेमी ऑटोमेटिक की 7 kg की वॉशिंग मशीन है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। आई लव दिस पार्ट। ओ जबरदस्त पैकिंग है जैसा कि मैं देख पा रहा हूं। तो चलिए इसको कार्टन से बाहर निकालते हैं। एंड 1, 2, 3। ओ बहुत ही अच्छी पैकिंग है इनफैक्ट। और ये व्हाइट कलर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, नीचे एक थर्माकोल का बेस दिया हुआ है, जिसके कारण आप देख पा रहे हैं कि पैकिंग बहुत सॉलिड तरीके से है। और ये पूरा प्लास्टिक में रैप है पूरा, आप देख पा रहे हैं। ये देखिए ये पूरा प्लास्टिक में रैप है। और मैं आपको यहाँ पे ब्रांडिंग दिखा दूं, ये एक अमेजन बेसिक्स का प्रोडक्ट है। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं अमेजन बेसिक्स 7 kg। और यहां पर 3 नॉब्स दिए हुए हैं। पहला नॉब है वॉशिंग टाइमर, दूसरा नॉब है यहां लिखा हुआ है वॉश ड्रेन सेलेक्टर, एंड थर्ड है स्पिन टाइमर। और यहां पर मैं एक देख पा रहा हूं कि ये वॉश और स्पिन ये एक स्विच टाइप का दिया हुआ है। यहां पर एक कॉशन की नोटिस है। यहां पर मेरे ख्याल से एक पाइप जाता होगा जो अंदर पानी भरेगा। और देखते हैं कि आगे और क्या है। ये देखिए, ये अच्छा ये पाइप लगा हुआ है। ये पाइप ड्रेन होता है जब आपको दरकार है, वॉशिंग मशीन को यूज कर रहे हैं तब आप इसको बाहर निकाल दीजिए तो ये पानी ड्रेन हो जाएगा। नहीं तो ये बहुत ही अच्छा हैंगर दिया हुआ है यहाँ पे, एक हुक और लुक साथ में। और ये हैंडल है जिसे आप उठा सकते हैं। देखते हैं कि कितना वेट है इस मशीन का। ओ व्हाइट लाइट, बहुत अच्छा, काफी हल्का है। ये देखिए घूम भी रहा है आराम से। और पीछे देखते हैं अगर तो ये वायर, वाओ बहुत ही अच्छा सिस्टम दिया हुआ है। ये प्लग को अटकाने की जगह है ताकि जब आप यूज ना कर रहे हो तो इसको आप यहां पर लगा सकते हैं। अनयूज्ड सिचुएशन में आपको इस तरह से लगा हुआ लटका हुआ छोड़ना नहीं पड़ेगा। ये आप जब यूज नहीं कर रहे तो आप इसको यहां पे प्लग इन कर लीजिए। और पीछे में कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं अमेजन बेसिक का, जहां लिखा हुआ है आप देख सकते हैं ट्विन टब वॉशिंग मशीन, मतलब ये ट्विन टब है। यहां पर ट्विन टब बोलने का, और ये सर्किट पूरा दिया हुआ है। एक सेक्शन में कपड़े धुलते हैं और एक सेक्शन में कपड़े ड्रेन होते हैं। तो आइए देखते हैं इसके अंदर और क्या है। ओके, ये आप देख रहे हैं कि ये पोर्टेबल है, इसको आप उठा सकते हैं, ये अटैच नहीं है। और इसके अंदर दो सामान मैं देख रहा हूं। एक ये अमेजन का मैनुअल है ये, जिसके अंदर जरूर कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे। और एक ये पाइप दिया हुआ है, मेरे ख्याल से ये पाइप यहाँ अटैच होगा, तो इसको तो रख देते हैं साइड में। और देखते हैं यहां पर क्या है, सेकेंड टब में क्या है। अच्छा, सेकेंड टब जो है इससे अटैच्ड है, ये मोबाइल नहीं है, ये पोर्टेबल नहीं है। और ये कवर है। और ये देखिए, मैं अंदर दिखाना चाहूंगा कि काफी स्पेस है यहां पर। यहां पर कपड़े डलते हैं धुलने के बाद में, और धुलने के बाद में इन कपड़ों को आपको इसको इससे कवर करना पड़ता है ताकि कपड़े जो है वो सेट रहें। और उसके बाद में इसको बंद किया जाता है और इसको कवर किया जाता है। और उसके बाद में अब चलिए मैं आपको फंक्शंस बता दूं। ये दो कोने हैं पाइप के, एक थोड़ा मोटा है रबराइज्ड और एक थोड़ा पतला है। तो पतला वाला जो है वो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है, आप देख पा रहे हैं बहुत ही बढ़िया से सेट हो गया है। और ये सेक्शन जाएगा आपके नल में, जहां से पानी आना है वहां पर ये अटैच होगा। उसके बाद ये प्लग इन होगा और उसके बाद कपड़े धुल के तैयार हो जाएंगे।
तो मैं इसकी पूरी फिटिंग करूंगा, सेटिंग करूंगा, वो भी वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगा। यहाँ पर देखिए आप, ये टाइमर है 0, 3, 6, 9, 12, 15, जितनी देर आपको कपड़े धोने हैं उतनी देर का टाइमर आप सेट कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा क्लोज आए तो देखिए ये आवाज आ रही है, इसका मतलब टाइमर चालू हो चुका है और ये टाइमर खत्म होने के बाद अपने आप बीप करता है। और ये वॉश ड्रेन सेलेक्टर है, अगर आपको कपड़े फास्ट अगर स्पिन करने हैं ड्रेनिंग के टाइम पे, तो आप इसको इस तरफ कर दीजिए तो कपड़े फास्ट ड्रेन हो जाएंगे। ये नॉर्मल स्पीड है, मतलब ड्राई हो जाएंगे ड्रेन मतलब। और यहां से जब आप ये ऐसे करेंगे तो ये जो आपका पानी बचा हुआ है वो बाहर निकल जाएगा वॉशिंग मशीन से। और ये स्पिन टाइमर है कि आपको कितनी देर कपड़े जो धुलने के बाद में आप सेकेंड टब में डालेंगे उसको आपको कितनी देर मतलब स्पिन करना है ताकि उसका साबुन का जो पानी है वो बाहर निकल जाए। तो चलिए अब इसको फिटिंग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इस मशीन को वहां लेकर जाते हैं जहां पर इस मशीन को सेट करना है, और सेटिंग और शुरू करने में और कपड़े धोकर दिखाने में हमें हेल्प करने वाले हैं मिस्टर आर के मोहता, जो इस मशीन को सेट करेंगे और कपड़े भी हम धोकर दिखाएंगे आपको कि ये कपड़े धुलने के बाद कैसे लगते हैं। तो लेट्स गो। आप देख रहे हैं यहाँ पर दीवार पे ऑलरेडी होल है, तो इस दीवार में हम लोग पीछे से डालेंगे और उस साइड हमारा पानी का नल है। देख पा रहे हैं कि देखिए ये पानी यहां से आ रहा है, ये देखिए दिख रहा होगा, वॉश अलग है स्पिन अलग है। वॉश मतलब यहां पर, ये यहां के लिए है, और स्पिन मतलब ये वहां के लिए है। ये देखिए ये एक एक्स्ट्रा फीचर है, तो ये एक्स्ट्रा अटैचमेंट है यहां पर, ये इसको प्रेस करेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा और इसके अंदर गंदगी जम जाती है जिसको आप साफ कर सकते हैं समय समय पर। जब इसको आप खोलेंगे इसके अंदर, जब कुछ दिन हो जाएंगे तो इसके अंदर गंदगी जम जाएगी, तो आप इसको बाहर निकालें, साफ करें और वापस लगा दें। इससे समझ में आएगा आपको कि किस तरह से कपड़े साफ हो रहे। तो पानी लगभग भर चुका है और मैंने आरके जी को कहा है कि एक अच्छा डिटर्जेंट लेकर आए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हम IMC का यूज कर रहे हैं। ये IMC फैब्रिक गोल्ड है, बहुत ही अच्छा ये डिटर्जेंट है कपड़े धोने के लिए, बहुत ही बेहतरीन है। और इसी ढक्कन में ही, कैप में ही इसका मेजरमेंट दिया हुआ है, तो आप इसको एक कैप से थोड़ा कम ही लेते हैं। और बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी, एक तो कितना झाग हुआ हुआ है और ज्यादा चिकना भी नहीं लग रहा है ये पानी जो है। और देखिए क्या स्पीड है इसकी, टाइमर लगा दी है, मशीन चालू कर दी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कपड़े बहुत घूम रहे हैं जबरदस्त। अब मैं इसको लिड को लगा देता हूँ, और मैंने फिलहाल इसका अभी तक ये रैपर हटाया नहीं है क्योंकि दरकार नहीं है, जब तक ये पड़ा रहे तब तक अच्छा है, तब तक सेफ रहेगा। वैसे सेमी ऑटोमेटिक मशीन की एक खासियत है कि सब कुछ इसमें मैनुअल है, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, प्लस इसकी जो मेंटेनेंस है वो बहुत सस्ती पड़ती है। ऑटोमेटिक में कुछ भी अगर खराब हो जाए तो पूरा सर्किट चेंज करें, पता नहीं क्या खराब होता है क्या नहीं खराब होता है। जैसे हमारी पहली वाली जो वॉशिंग मशीन थी जो बाहर पड़ी है, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में अगर समय मिला, तो उसका ड्रायर खराब हो गया था, तो वो ड्रायर नहीं यूज कर रहे थे हम लोग, कपड़ा धोने का जो था वो उसको यूज कर रहे थे।
फिलहाल अभी ये नई ऑर्डर कर दी है मशीन, एंड आई एम श्योर ये कपड़े बहुत जबरदस्त धुले जाएंगे। और ये धोने तक का प्रोसेस हमने आपको दिखाया, इसके बाद इन कपड़ों को यहाँ से निकाल करके यहाँ डालना पड़ता है ड्राई करने के लिए, पानी यहाँ से ड्रेन होता है और उसके बाद यहाँ से आप कपड़े निकाल कर सुखा सकते हैं। तो ये हमारा पहला एपिसोड था अनबॉक्सिंग का, और आपने देखा कि हमारा सेकंड कार्टन भी रेडी है। तो बहुत ही जल्द हम लोग दूसरे एपिसोड के साथ में आएंगे। फिलहाल आप जरूर बताइएगा कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा अनबॉक्सिंग का। अगर ये मशीन आपको अच्छी लगी तो डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने इस प्रोडक्ट का लिंक दिया हुआ है, जहाँ पर आप भी जाकर ये मशीन परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। बाकी इसी तरह के प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए इसी चैनल को, जिसका नाम है आपका देसी चैनल।